40 किलोमीटर एक दिन में पूरा अपील 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 करना बहुत टफ है। अगर इतने किनारे में नहीं ले जाता तो उसने मेरे को ठोक देना था, नीचे ही चले जाता यार खाई में, देख रहे हो ना। फिर उसके बाद नूबरा जाओगे आप? हाँ नूबरा, मैं भी नूबरा जाने वाला हूँ, तो अभी देखते हैं कौन जल्दी पहुँचता है। इसको किसने फाड़ दिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ खारदुंगला के लिए, तो चाहे से निकल गया हूँ बाहर, ये है लेह, और यहाँ पे मुझे एक भाई मिल गया अपना। बड़ा मज़ा आया भाई से मिल के यार, भाई की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। भाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बोला कि अच्छा कर रहे हो। तो यार ऐसे लोग मिलते रहते हैं, आप लेह में रहते हो, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ऐसे लोग हैं जो साइकिल पे आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, आपसे मिलकर से बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवान थिनलेस है। हाँ सेवान थिनलेस, सेवान थिनलेस, ये मजाकी नहीं है। मैं नीचे वालों को तो मतलब थोड़ा बोलने में भी दिक्कत होगी, मुश्किल होता है। तो ये भाई ने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया, तो अभी चलते हैं भाई, मिलेंगे फिर कभी। सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, कभी आओगे उत्तराखंड तो होगी मुलाकात, ठीक है भाई। अभी यार सुबह के बज रहे 5 और पूरा लेह सिटी खाली है, कोई भी नहीं है इधर, सिर्फ मैं अकेले घूम रहा हूँ। तो अभी चलता हूँ, एक ATM भी ढूंढना मुझे, कुछ कैश वैश निकाल लेता हूँ, बड़ा ही कुत्ता है। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह का नज़ारा ऐसा, उधर से सनराइज़ होने वाला है, और वो स्टॉक कांगड़ी रेंज पे बर्फ गिर भी दिख रही है, और नीचे लेह सिटी काफ़ी नीचे दिख रहा है मुझे, पता नहीं इतना ऊंचाई पे मैं कितनी जल्दी आ गया। तो यार सांस तो फूलते रहती है, अभी चलते हैं आगे, और ऊपर जाना है काफ़ी, ये पहाड़ों को पार करके, इससे भी मुझे पहाड़ को पार करना है। तो खारदुंगला टॉप आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों पीने का पानी भरने के लिए आया था, बट यहाँ पे तो कुछ पानी का नॉर्मल पानी दिख रहा है, चलते हैं आगे कहीं और ढूंढते हैं। यार मैं पानी भरना भूल गया आज भी, शिट, अब चढ़ाई में पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। तो गाइस टाइम हो गया 5:46, और मैं अभी 6 किलोमीटर चल के आ गया हूँ ऊपर, वो लेह सिटी है उधर, और सामने देखो वाली रेंज कैसे चमक रही है, धूप आ गई है भाई। अभी जितना धूप इस पहाड़ पे नहीं आती उतना मुझे फ़ायदा है, तो मैं फटाफट से धूप आने से पहले ये वाले पहाड़ को पार कर लेता हूँ, मतलब जितना कर सकता हूँ यार, कम से कम 10-15 किलोमीटर तो कर ही लूँ, बिकॉज़ फिर धूप आ गई तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। सो गाइज अभी मैं यहाँ पे रुक गया हूँ कुछ खाने के लिए, मेरे पास एक कुछ पड़ा था ड्राई फ्रूट टाइप का, वैसे मैंने उसको खाया कम, ये किसी ने मुझे दिया था, तो अभी इसको खाता हूँ क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, सुबह सुबह तो कुछ खुलता नहीं है इधर। और पानी लाना भी भूल गया हूँ, एक आधा लीटर पानी मिला था मुझे, वो मैंने पी लिया है अभी, अभी देखते हैं किसी और गाड़ी को रोक के पानी लेंगे। यार मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ आजकल, पानी रखना भूल जा रहा हूँ, बट दिक्कत एक आ गई और कि हेडविंड चलने लग गई है, हवा उस तरफ से पहाड़ की ओर से आ रही है, अब प्रॉब्लम होगी। अभी तो फिलहाल मौसम ठंडा है, पर उधर धूप आ गई है पूरे एरिया में, और ये धूप जैसे ही मेरे पास पहुंचेगी तो हालत ख़राब होने वाली है। तो खारदुंगला बहुत टफ होने वाला है दोस्तों, अभी चलो इसको खाते हैं चबाते हैं, उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं। तो भाई मैंने थोड़ा सा वो खा लिया है जो ड्राई फ्रूट वाला था, और थोड़ा यहाँ फेंक दिया है ताकि जो चिड़ियाएँ और पक्षी घूमते रहते हैं ना भूखे बेचारे, वो भी खा सके, क्योंकि उनको भी भूख लगती है यार, जैसे मुझे लग गई सुबह सुबह, तो उनका भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा बढ़िया वाला। तो अभी चलते हैं आगे। तो गाइस 7:11 हो गए हैं, और मैंने कवर कर लिया अभी 15 किलोमीटर, तो अराउंड 2 घंटे में 15 किलोमीटर कर लिया है, तो 7 की एवरेज स्पीड आ रही है अभी। अब देखो क्या होता है, अब वाट लगने वाली यार, ये देखो यहीं पर धूप आ गई है बिल्कुल पास में, अब मैं धूप में आऊँगा यार, धूप से मुझे बड़ी परेशानी है, शिट।
सो गाइस 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद वो देखो लेह सिटी कहाँ रही है, ये हरा वाला नहीं है, इसके आगे उधर वो रहा लेह सिटी। तो दोस्तों वो देखो वहाँ पे दिख रहा है सफ़ेद छोटा सा एक बीच में, वो है शांति स्तूपा। लेह सिटी उधर है और उधर वो जो है रेंज है पूरी कवर्ड स्नो से, और उसके पार है जंस्कार वैली। तो अभी यहाँ से मैं घूमता आया हूँ, देख रहे हो आप लेह सिटी से, उधर से घूम घूम के इस पहाड़ के पीछे बहुत घूमा था, फिर यहाँ से घूमते 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 वो नीचे से आ रहा है रोड, वहाँ से नीचे से देन घूमते घूमते इधर से, फिर इधर से उधर घूमते हुए देन यहाँ से घूम करके तब जा कर कहीं यहाँ पर पहुँचा हूँ। अभी काफ़ी चलना है, यहाँ से साउथ पुल बचा है अभी अराउंड 10 किलोमीटर, और उसके बाद रहेगा शायद 24 किलोमीटर का अपहिल और अपना जो है खरदुंगला टॉप के लिए। तो चलते हैं अभी मज़े करते हुए, मज़े तो क्या करने, वाट लगे लिए बाबा। यार बड़े अजीब अजीब किस्म के ड्राइवर हैं यार, अभी बड़ा गुस्सा आया मुझे उस बंदे को देख के यार, इधर से आया सामने से पूरा और इतनी स्पीड में आया और पूरा आउट ऑफ कंट्रोल था वो कार वाला। ओ भाई मुझे ना उसके चक्कर में साइकिल को इतने किनारे देख रहे हो बिल्कुल पहाड़ के कोने पे डालना पड़ा। अच्छा हुआ कि भाई इससे ज़्यादा किनारे नहीं आया, फिर तो मैं सीधा नीचे ही चले जाता यार खाई में, देख रहे हो ना आप, यहाँ पे तो रुक भी नहीं पाता यार, बड़े अजीब अजीब से लोग हैं। चलो यार शुक्र है भोलेनाथ का कि बच गए हम, यहीं पर रुक गई, इधर से ज़्यादा और किनारे नहीं आया, नहीं तो इसने तो कर देना था आज काम। चलो अब थोड़ी देर यहाँ पे यार सुस्ताते हैं, धड़कने बढ़ा के रख दी इसने, फिर चलते हैं यार पानी वानी पी के हैं। एक बार आप खुद देख लो यार रोड के कहाँ कितने किनारे आके अटकी है मेरी साइकिल यहाँ पे, बिल्कुल इसके नीचे पूरी खाई है एकदम, अगर इतने किनारे में नहीं ले आता तो उसने मेरे को ठोक देना, पिछला टायर तो ऊपर ही था अगला टायर नीचे उतर गया। चलो खैर कोई नहीं, पानी वानी पी लिया, अब बढ़ते हैं आगे यार, भूल जाते हैं इस इंसिडेंट को। तो भाई अब पानी का झंझट तो ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत आ रहा है, अभी तक पानी मांगना पड़ रहा था। और ये अपने हिमांशु भाई दिल्ली से आ रहे हैं, ये हमें मिले हैं यहाँ पे करीबन 18 किलोमीटर ऊपर ये मिले हैं, ये भी खरदुंगला जा रहे हैं, फिर उसके बाद नूबरा जाओगे आप? हाँ नूबरा, मैं भी नूबरा जाने वाला हूँ, तो अभी देखते हैं कौन जल्दी पहुँचता है। तो मैं पानी भरने जा रहा हूँ फिलहाल। ओके ठीक है भाई, तो मिलेंगे फिर आपसे नूबरा में, कुछ फेस्टिवल भी है शायद उधर। ओह माय गॉड इसको किसने फाड़ दिया, कुत्ते को यार मार रखा है किसी जानवर ने, पूरा फाड़ा पड़ा है, उसको दिखा नहीं सकता, बड़ी बुरी हालत है। फिलहाल पानी भर लेता हूँ, फिर पानी पीते हैं निकलते हैं, अब पानी का झंझट यहाँ पे कम ही होगा, मुँह भी धोलता हूँ एक बार यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ठंडा ठंडा बोलो गर्म गर्म हो रहा है मौसम, नींद भी आने लगी है। और ये हेडविंड देख रहे हो आप, वो झंडे देखो किधर को उधर की तरफ है, तो अभी तो टेलविंड बन जाएगी अल चढ़ाई में मेरे लिए, बट वो जो चढ़ाई थी उसके पूरा हेडविंड झेलते हुए आया हूँ। तो चलो भरते हैं अभी, बस इतना ही भरते, ज़्यादा नहीं भरते हैं, वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ाने क्योंकि आगे फिर मिल जाएगा, इस रोड पे पानी मिलता रहता है, मतलब ये 18 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद। सो गाइस आई हैव कम अ लॉन्ग वे यार, मतलब बहुत दूर आ गया हूँ अभी, और 3 किलोमीटर जो है साउथ पुलु बचा है, पहले मैं सोचता था कि साउथ पुलु है वो, बट दैट इज़ साउथ पुलु PULLU, और लेह सिटी पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से, वहाँ रह गया लेह सिटी, और स्टॉक कांगड़ी रेंज हमेशा आपको विजिबल रहेगा यहाँ पे, जैसे जैसे आप चढ़ते जाएंगे खरदुंगला के लिए आपको लगेगा कि आप इससे भी ऊपर हो, बट नहीं उससे ऊपर नहीं हो आप,
हाँ उसके जो नीचे वाले पहाड़ हैं उनके बराबर हो। फिलहाल बहुत सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं। अभी एक साइकिलिस्ट मिले थे मुझे, नोएडा से थे वो गाड़ी में आ रहे थे। बट यू नो कि साइकिलिस्ट एक जो होता है वो दूसरे साइकिलिस्ट के बारे में समझ सकता है, तो उससे मुझे बहुत उनसे अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि वहाँ पे यार अपील था बहुत ज़्यादा, तो मैं उनको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उन्होंने मुझे, और ही आस्क्ड मी फॉर फूड, और भी चीज़ों के लिए उन्होंने पूछा। तो इस टाइम तो अभी मेरे को भूख लगी नहीं थी, तो यार मैं वैसे बोलता भी कैसे। तो फिलहाल चलते हैं आगे, ऐसे ही कुछ नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे आगे भी, और कुछ इंटरेस्टिंग सा मिलेगा तो दिखाता हूँ आपको। तो चलिए चलते हैं भैया आगे, और थोड़ा और जोश दिखाते हैं। सो गाइज आई हैव रीच्ड साउथ पुलू। यहाँ पर चेकिंग होगी परमिट्स वगैरह की, सब गाड़ियों का चेक हो रहा है, और यहाँ पे आप लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर वाला जो पहाड़ है सामने उसको क्रॉस करते हैं, दैट इज़ हरदुंगला। तो चलो लेट्स गो। तो यह है पुलिस चेक पोस्ट, और यहाँ पे मैंने अपना एंट्री कर लिया है, बाकी लोग भी इधर एंट्री कर रहे हैं। तो ये मैं चलता हूँ यहाँ से, कुछ लेता हूँ हल्का कह लूँ, अब तगड़ा ही लेता हूँ क्योंकि भूख भी लग रही है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14 किलोमीटर और बचे हैं खारदुंगला टॉप के लिए। सो गाइस मौसम थोड़ा सा मेहरबान भी है, और इससे मैं परेशान भी हूँ, मतलब इंसान किसी चीज़ में खुश नहीं रह सकता। फिलहाल देखो बादल आ गए हैं थोड़े, जिस वजह से धूप मुझे कम लगने वाली राइड में, बट दिक्कत यह है कि बादल के आने से डर भी है कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि मैंने अपना जो वाटरप्रूफ वाला जैकेट है ना वो रखवा दिया कहीं, और यहाँ से मैंने नदी से वाटर बॉटल अपना वापस फिल कर लिया है। अभी फिलहाल कॉफ़ी भी पी ली मैंने कड़क वाली, ताकि जो नींद वाला और था ना सीन वो ना हो, क्योंकि रात को भी कम सोया जा रहा है, एटिंग करी देर हो गई, फिर सुबह जल्दी उठ गया, तो वो भी है नींद आने की वजह। तो फिलहाल चलते हैं आगे, और इधर से घूम के जाना है पूरा, इधर से पता नहीं घूम के कहाँ से जा रही रोड, लेकिन उसके ऊपर मेरे को रोड दिख रही है, उधर कहीं होगा खारदुंगला टॉप इन पहाड़ों के बीच में, पता नहीं कहाँ ही होगा यार। तो फिलहाल चलते हैं आगे। तो दोस्तों खारदुंगला इतना आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा है यार, चढ़ाई पहाड़ के ऊपर बहुत लंबा है, तो खारदुंगला बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है। और जितने पास है ना वो तो सब मतलब स्टार्ट हुआ नीचे से चढ़ाई उनके, बिल्कुल चलो और ख़त्म। ये है पूरा 39 किलोमीटर की चढ़ाई, मान के चलो पूरी 40 किलोमीटर की है। तो 40 किलोमीटर एक दिन में पूरा अपील करना बहुत टफ है, बट ये है कि यहाँ पे पानी मिल जा रहा है 5-6 किलोमीटर में, लगभग 18 किलोमीटर जब से ऊपर आया था उसके बाद से, और वहाँ से कुत्ता आ रहा है, बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, मुँह में कुछ दवा भी रखा उसने। तो चलते हैं अभी पानी भर लेते हैं, क्योंकि पानी पी लिया है मैंने थोड़ा, और जो कम हुआ है उसको भर लेता हूँ। और दोस्तों एक खारदुंगला की चढ़ाई तो ख़त्म ही नहीं होती है यार, अभी भयंकर इतना चल के आ गया हूँ ना क्या बताऊँ, कहाँ रह गई वो लेह सिटी नीचे, कहाँ वो स्टॉक कांगड़ी रह गया, कहाँ से चढ़ के यहाँ पहुँच गया हूँ यार इतनी ऊंचाई में। बट अभी जो है इस पहाड़ के पूरा पीछे से घूमना है, इसके पीछे से घूम के पूरा वो चक्कर मार के उस पहाड़ पे जाना है, सामने वो उधर से उधर कहीं है टॉप खारदुंगला का। तो भाई
इसीलिए खारदूंगा आसान नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। और यहाँ से पूरा लेह सिटी दिख रहा है यार, रात को तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू आने वाला है। एक तो साइकिल का एक्सल भी टेढ़ा है, बार बार अब मैं तो सही भी नहीं करा रहा हूँ, हर 400 किलोमीटर में टेढ़ा हो जा रहा है। अब मुझे इसके लिए एक थ्रू एक्सल या फिर उसमें मुझे क्विक रिलीज वाला एक्सल चाहिए था, बट यहाँ पे तो यार 1500 रुपये मांग रहे, 500 रुपये काम के, तो मैंने नहीं लिया। तो दोस्तों 30 किलो वजन के साथ खारदुंगला में चढ़ना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा टफ इसीलिए पड़ रहा है, मुझे पता है, क्योंकि ये जो वेट है ना, इस वजह से। अगर जो ये वेट नहीं होता तो अपन भी तूफान की तरह चढ़ जाते, शायद किसी बाइक से भी तेज, मोटर बाइक से स्पीड काफ़ी तेज होती है अपनी, एवरेज स्पीड निकाल लेता मैं 10 की तो, बट फिलहाल तो यार 6 की आ रही थी सुबह, फिर 5 की आई, 4.9 हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत देर बीच बीच में बहुत जगह स्टॉप ले लिया मैंने, अब पता नहीं कितने की आएगी। खैर क्या करें, हमें तो कवर करना है, पहुँच ही जाएंगे। वैसे भी आज तो मुझे बहुत किलोमीटर चलाने हैं यार, 130 किलोमीटर लगभग है जहाँ पर मुझे जाना है, कैसे पहुँचूँगा पता नहीं, रात लग जाएगी लग रहा है मेरे को आज। भाई मैंने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी धीरी स्पीड का कारण सिर्फ वजन और चढ़ाई नहीं है, बल्कि यार ये हेडविंड चल रही है हल्की हल्की, जिसकी वजह से मैं आगे को बढ़ नहीं पा रहा। भाई मैं उतनी देर से सोच रहा हूँ वजन की वजह से हो रहा है, ध्यान ही नहीं गया आज तो मेरा इस चीज़ पे। अभी देखा एक पॉलिसीन जो हैंग हो रही थी वो हिल रही थी, भाई हेडविंड है। दोस्तों अभी अभी आर्मी का ट्रक मुझे ये देखे गया है, मैंगो फ्रूट ड्रिंक, वो रुके नहीं, वो चलते चलते उन्होंने मेरे हाथ में थमाया, बोला बहुत जिगरा चाहिए इसके लिए, और ये देखे, मतलब अभी जितनी थकान लगी थी ना, एक अंदर से करंट सा दौड़ गया, जैसे आर्मी वाले बंदे ने ट्रक रोका मेरे आगे और निकाल के दिया और बोला यार मज़ा आ गया, तो भाई एनर्जी आ गई, इससे उतनी नहीं आएगी जितनी कमेंट्स आई है यार। इंडियन आर्मी को तो वैसे ही सैल्यूट है, और ये सब देखो जो रोड बनी हुई है ना, ये सब इंडियन आर्मी और BRO इनकी वजह से बनी हुई है, और जो हम यहाँ पे आसानी से घूम पा रहे हैं वो भी इन्हीं की वजह से। तो थैंक यू इंडियन आर्मी, और आई सैल्यूट यू। तो अभी चलते हैं आगे, कुछ किलोमीटर बचे हुए हैं अभी, उसको क्रॉस करते हैं, उसके बाद भैया आज तो रिकॉर्ड बनाऊंगा नया, अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा, देखते हैं क्या रिकॉर्ड बनता है, देखते हैं आज का। वहाँ पे सामने ग्लेशियर दिख रहा है, ये पानी ग्लेशियर से आ रहा है, और ये जो ड्रिंक है ना काफ़ी गर्म था यार, जैसे ही मैं पीने लगा तो काफ़ी गर्म लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको पानी में डाल दिया ठंडे ग्लेशियर वाले, तो ग्लेशियर वाले पानी से ना अभी पूरा ठंडा रहेगा, उसके बाद पीता हूँ। दोस्तों ना जाने खारदुंगला टॉप कितनी दूर है, हवा देख रहे हो पता के ऐसे बह रहे हैं इधर की तरफ, तो ये हवा ऐसी चल रही है जिसने मेरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। हाँ वो रही लेह सिटी, यहाँ से पूरा रास्ता दिख रहा है यार, कैसे कैसे घूमा हुआ है, कहाँ कहाँ किस किस पहाड़ के पीछे से घूम के आया है। फिलहाल यहाँ पे कुछ पता के दिख रहे हैं मुझे, हाय हाय अभी लगभग 1 किलोमीटर और दूर है भाई, मैं तो सोच रहा था आ गया। वो देखो व्यू यार, वो ग्लेशियर है, वहाँ से एक धारा आ रही है पूरी पिघलती हुई, तो हल्का पानी पीते हैं और चलते हैं आगे। बॉयज एंड गर्ल्स, मैन एंड वीमेन, यार अब जो लास्ट का 1-2 किलोमीटर बचा है ना, इसमें ऐसा कर रहा है कि अब मैं यहीं पे लेट जाऊँ, आगे जाऊँ ही ना। भाई पूरा एग्जॉस्ट कर दिया खारदुंगला ने, मतलब है भाई खारदुंगला यार, जो लंबाई है ना इसकी
वो ज़्यादा है, चढ़ाई नहीं, मसल्स एग्जॉस्ट हो गई यार पूरी, वेट फिर ऊपर से मेरे पास ज़्यादा, फिर ऊपर से हेडविंड, तो यार पूरा निचोड़ के रख दिया आज। तो अब देखते हैं कैसे पहुंचता हूँ खारदुंगला भाई, थोड़ा सा बचा है लेकिन हिम्मत ताकत सब ख़त्म हो रही है। गले में इतना पानी पीने के बावजूद भी गला सूख रहा है, क्या हो रहा है। चलो कोशिश करता हूँ एक बार और पैडल मारने। तो दोस्तों फाइनली आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अपन पहुँच गए हैं खारदुंगला पास, और यहाँ से मैं जाऊँगा अब नूबरा वैली के लिए। मज़ा आ गया। उत्तराखंड कौन सी जगह? हल्द्वानी। हल्द्वानी तो भाई पहुँच गए हैं फाइनली खारदुंगला टॉप पे। काफ़ी मेहनत लगी, मशक्कत लगी, लेकिन पहुँच ही गए जैसे तैसे। भाई अगर मेहनत करते रहो लगातार, ना डरो, चलते रहो यार, स्लो चलो चाहे कैसे भी, पहुँच तो जाते हैं। तो ये अपने भाई लोग लगे पड़े हैं मेहनत में यार, इनको मैंने देखा था मतलब तब मैं मनाली में था, अब लोग आगे तो भाई अपना जो खारदुंगला पास है ना उसका अल्टीट्यूड है 17,982 फीट। तो अभी मैं आया हूँ लेह से और ये अपने बंदे मिले हैं। कहाँ से हो आप लोग? हैदराबाद। हैदराबाद के, तो अपन को हैदराबाद के बंदे उत्तराखंड में भी बहुत मिलते हैं और इधर भी मिल गए हैं वापस से। तो अभी अपन जा रहे हैं नीचे की तरफ नूबरा के लिए। आप लोग किधर जा रहे हो? ले जा रहे हो? चलो ठीक है, तो नूबरा में जाता हूँ अभी। मुझे लगभग 4-5 घंटे और चलाना पड़ेगा साइकिल। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर। बाय बाय। तो भाई अब निकलता हूँ यहाँ से, और अपना जो है रिकॉर्ड भी टूट गया है अभी का। अपना जो सबसे हाईएस्ट एलिवेशन था इससे पहले तांगलांगला पास था, और उसके बाद अभी ये हो गया 17,982। तो चलते हैं, ये अपना रिकॉर्ड है नया। सो दोस्तों अभी डाउनहिल कर रहा हूँ यहाँ से, और पूरे बर्फ़ के यार ग्लेशियर पूरे हैं इधर, और पूरा पानी हो रहा है रोड में, पूरी ऑफ रोड है यार ये वाली रोड। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे, हमको जाना है उधर नीचे की तरफ। तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आपसे सीधे आगे जाके, क्योंकि टाइम जो है अंधेरा होने वाला है, इसलिए मुझे फटाफट राइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त नूबरा वैली में, और यहाँ के नज़ारे कुछ इस तरीके के हैं। अभी मतलब पूरी तरीके से पहुँचा नहीं हूँ वैली के अंदर, अभी स्टार्ट ही हुई है वैली। वहाँ से आया हूँ ऊपर जो बर्फ़ दिख रही है खारदुंगला टॉप से। अभी फ़िलहाल मुझे पहुँचना है डिस्किट, जो कि 66 किलोमीटर है यार। आज मैं एक और रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ पहाड़ों में, एक दिन में 120 किलोमीटर करीब चला लूँगा। ये हम लोग पहुँच चुके हैं अभी खरदुंग गाँव में, जो कि आता है नूबरा वैली में। तो यहाँ पे काफ़ी खेत वेत हैं यार, पानी कहाँ से आता होगा इधर, वैसे तो सूखे पहाड़ हैं पूरे, तो शायद कोई पानी का नदी का सोर्स होगा इधर। तो गाइस मैं भी पहुँचने वाला हूँ डिस्किट। यहाँ देखो पूरा अंधेरा हो गया है, तो आज मैं बहुत देर तक गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी बोल रहा हूँ बाइक चला रहा हूँ। अभी बज चुके हैं अराउंड 8:15 हो गया होगा। सो गाइस फाइनली अभी पहुँच गया हूँ मैं। कितने घंटे लग गए मुझे आज साइकिलिंग करते हुए, सुबह 6 बजे से 9:42 हो गया है। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।